अगर आपकी आवाज़ पहुंच सकती है अरबाब वक्त तक हकूमती नुमाइंदों तक तो आवाज़ पहुंचाएं और उनको बताएं कि जुल्म कभी नहीं पनपता और यही हमारा काम है हर जगह हर हुकूमत को हर जालिम को ये एहसास दिलाना कि जुल्म कभी नहीं पनपा करता और हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हैं और इसके लिए फिर बज दफ़ा सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं अब पाकिस्तान में एक कानून है मुसलमान अब अहमदियों को ग़ैर मुस्लिम करार दिया गया है वहाँ के कानून का जहाँ तक सवाल है कि हम आहमदी अपने आप माने, को गैर हैं, कोई अहमदी इस बात को मानने को तैयार नहीं कानून ये कहता है कि तुम इल्लल्लाह नहीं कह सकते इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह सकते कोई एमडी इसको मानने को तैयार नहीं कानून ये कहता है कि तुम नमाजें नहीं पढ़ सकते पांच नमाजें नहीं पढ़ सकते किबिला रुख होकर कोई एमडी इसको मानने को, को तैयार नहीं और इस तरह बहुत सारे इस्लामी अकाम हैं लेकिन जो मुल्क के दूसरे कवानीन हैं उनको पूरी पाबंदी करके आमदी वहाँ रहते हैं एक तो ये चीज़ है कि अगर हम ऐसे सख्त हालात हैं हिजरत कर सकें तो इस्लाम में यही हुकूमत है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने के बजाय हिजरत कर जो है ालकूमत से और यही नमूना और यही उसवा हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है या अगर वहाँ रहना है तो फिर उस उसम के खिलाफ आवाज़ उठा के अपना मुद्दा बयान करो बाकी एक आहमदी का ये काम नहीं कि तोड़ फोड़ करे और ऐसी बातें करें जिससे मुल्क और कौम को नुकसान होता हो ऐसी हरकतें करें जिससे उन लोगों का तो कोई नुकसान ना हो जो जुल्म करने वाले हैं बल्कि अवाम नास का नुकसान हो रहा हो उसके खिलाफ हमें बहरल करना चाहिए और उस हमेशा ये देखना चाहिए कि हमने हक़ के आवाज़ उठानी है हर जगह और हक़ की आवाज़ के लिए बजफ़ा दाश्त करने पड़ते हैं वैसे जब फलस्तीन का क़याम या इसराइल का क़्याम हो रहा था उस वक़्त चौधरी जफरल्ला खान साहब ने यूनाटेड नेशन में जो तकरीर की थी उन्होंने यही कहा था कि यहाँ अमन कायम नहीं रह सकता जब तक के तो इन दोनों कौमों को बराबरी के हकूक़ नहीं मिल जाते और फलस्तीनीों को भी और इसराइली अगर रहना है तो फिर दो आज़ाद मुल्कों की हसीियत से रहें कहने को तो आप फलस्ती से आए हैं फ़लस्तीन में एक अलहदा हुकूमत है लेकिन वो भी आज़ाद हुकूमत तो नहीं है उसको कोई दुनिया की हुकूमत तस्लीम करने को तैयार नहीं है ना अवतः उसको तैयार मानने को तैयार है इसलिए फ़लस्तीन में रहते हुए भी कमो बेश दबाव के ज़ेर असर ही आप रह रहे हैं इसलिए ये कहना कि इसराइल में रह के आप कानून की पाबंदी किसना करें फ़लस्तीन में भी रह के भी आपको सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं बस तो उसके लिए यही है कि हकमत से अपनी आवाज़ उठाएँ और ऐसे लोग इकट्ठे हों जो इस आवाज़ को ऐसे फोरम तक लेके जाएँ बैलवाी फोरम तक जहाँ फिर ये एक आज़ाद फलसतीनी हुकूमत कायम हो ना ये कि दबाव में आई हुई एक फलस्तीकूमत जिसके पास इख्तियारी कोई नहीं तो बहरहाल जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एक बुनियादी ममिन का फ़र्ज़ है या फिर उस म वाली सरज़मीन से हिजरत कर जाना ये दूसरा हुक्म है बस ये दो बातें इसके अलावा मुल्क में बद पैदा करना फसाद पैदा करना या तोड़फोड़ करना ये चीज़ें एक हकीकी ममून को जेब नहीं देती हैं ना इसकी इजाज़त है तो इसके लिए बहरहाले हमत और दुआ से काम करना पड़ेगा दुआ करें अल्लाह ताला से सही तल्लक पैदा करें अगर फ़लस्तनी हकीकी रंग में एक हो के दुआ करने वाले हों और अपने अखलाको अदहात और अपने ईमान को उस मैार पर पहुँच जाएँ जहाँ अल्लाह ताली सुनता है दुआएँ और मददगार होता है ममन का तो इन शाला बेहतर हो जाएंगे। ठीक है